नमस्कार ट्रेनर्स, मैं शिमायला, कॉमनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया से एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह एक क्वालिफिकेशन पैक को पढ़ा जाता है और उसकी व्याख्या की जाती है। मैं आपसे एक बार फिर से पूछूं कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमें क्वालिफिकेशन पैक की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि क्वालिफिकेशन पैक हमें बताता है कि किसी काम को करने के लिए हमें किस तरह का ज्ञान, कौशल और व्यवहार की जरूरत पड़ती है। ये एक कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क पर आधारित होता है। हम भारत में किस तरह की कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क का अनुपालन करते हैं? इसे कहते हैं नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, मतलब NSQF। कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क हमें आउटकम बेस्ड यानी कि परिणाम आधारित शिक्षा को समझने में मदद करता है, जो हमें ये बताता है कि हमारी पढ़ाई अथवा प्रशिक्षण का नतीजा क्या है या हमें सीखने से क्या प्राप्त हुआ। मूल रूप से सीखने का मतलब ये नहीं है कि किसी चीज़ को सीखने में आपने कितना वक्त लगाया, बल्कि इसका मतलब ये है कि सीखने के बाद क्या आप वो कर पाए जिसके लिए आपने ट्रेनिंग ली। आउटकम बेस्ड लर्निंग के तरीके की खास बात यही है कि इससे हमें परिणाम और लक्ष्य की प्राप्ति होती है। आउटकम बेस्ड लर्निंग के चार प्रमुख भाग ये हैं: परिणाम को निर्धारित करना, जो कि प्रशिक्षण का लक्ष्य होता है, मतलब कि अपने ट्रेनिंग के अंत में आप अपने ट्रेनी को क्या हासिल कराना चाहते हैं। इसके बाद आप पता करें कि इस समय आपका लर्नर कहाँ है, फिर पता करें कि लर्नर अभी जहां है और ट्रेनिंग के अंत में जहां पहुंचना चाहता है उसमें कितना अंतर है। इस अंतर का पता करने के बाद आप अपने ट्रेनिंग को डिजाइन करें, जिसके बाद ही आप इस अंतर को सही से खत्म कर सकते हैं। जब आप एक बार ट्रेनिंग डिजाइन कर लेंगे, फिर आप आसानी से ट्रेनिंग डिलीवर कर सकते हैं और फिर SS यानी कि आकलन कर सकते हैं कि आपका लक्ष्य पूरा हुआ कि नहीं। ये बेहद आसान और सटीक तरीका है। इसे हम आउटकम बेस्ड लर्निंग का एडा मॉडल कहते हैं, जिसमें कि पहले ट्रेनिंग के परिणाम को एस्टैब्लिश करें, फिर डिजाइन करें, फिर ट्रेनर डिलीवर करें और बाद में पता करें कि आपका लक्ष्य पूरा हो भी रहा है कि नहीं। अब जब आप आउटकम को एक बार एस्टैब्लिश करेंगे तो आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी। पहली ये कि वांछित परिणाम को परिभाषित करें और फिर उसके बाद ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करें। ट्रेनिंग नीड एनालिसिस से हमें ये अंतर पता चल जाता है कि लर्नर आज कहाँ है और उसे ट्रेनिंग के देने के बाद हमें कहाँ पहुँचाना है। इसके बाद ही आपको ट्रेनिंग डिजाइन करना होगा। ट्रेनिंग को इस तरह डिजाइन करें जिससे आपके लर्नर को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। इसलिए आपको लर्नर के बारे में विस्तार पूर्वक समझना होगा। आपको समझना होगा कि आपका लर्नर क्या सीखना चाहता है और उसके सीखने की क्षमता कितनी है, जैसे कि लर्नर की भाषा, उसकी शिक्षा, उसका अंक ज्ञान, उसकी व्यक्तिगत समस्या, उसकी सामाजिक गतिविधियाँ। इसे लर्नर की प्रोफाइलिंग भी कहते हैं। ट्रेनिंग देने से पहले किसी भी ट्रेनर को ये सारी बातें समझ लेनी चाहिए, तभी आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव यानी कि लर्निंग का उद्देश्य सही तरीके से निर्धारित कर सकेंगे। इसके लिए एक आसान टेक्निक है जिसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहते हैं, जो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। ट्रेनिंग डिजाइन कर लेने के बाद आपको इसे डिलीवर करना होता है। ट्रेनिंग डिलीवर करने के लिए आपको इसे दिलचस्प और आकर्षक बनाना होगा। एक्टिविटी आधारित लर्निंग इसी तरह की एक टेक्निक है जिससे वयस्कों को आसानी से सिखाया जा सकता है। इसके लिए आपको अडल्ट लर्निंग के कुछ मूल सिद्धांतों को समझना होगा और उनमें जरूरत अनुसार सामंजस्य बनाना पड़ेगा। अगर आप इन बातों को सही से नहीं समझ पा रहे हों तो चिंता मत कीजिए, हम आपको आगे की वीडियोज में समझाएंगे। अंत में अपनी ट्रेनिंग डिलीवर करने के बाद आपको इसका आकलन करना होता है, यानी कि SS करना होता है। फिर आपको पता करना होता है कि जिस उद्देश्य के लिए आपने ट्रेनिंग दी है उसकी पूर्ति हुई कि नहीं। इसके लिए आपको न केवल लर्नर ने क्या सीखा इसका पता करना होता है, बल्कि ये भी पता करना होता है कि इसका आगे कुछ फायदा भी हो रहा है कि नहीं, मतलब कि ट्रेनिंग का डिजाइन सही तरीके से हुआ था कि नहीं। लर्नर को हुए फायदे का पता लगाने से आपने जो ट्रेनिंग डिजाइन की थी उसके क्वालिटी का भी पता चल जाता है। इसे ही हम आउटकम बेस्ड लर्निंग का एटा मॉडल कहते हैं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।